नाथ शंकरा हे त्रिलोक नाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय, चिन्मय गॉड, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं नमो नमो शंकरा फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। तो आइए पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, जोश के साथ, चिन्मय के साथ ये गाना सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, मैंने अपने वायलिन को जी सी में ट्यून कर रखा है। अगर आपको ट्यूनिंग की जानकारी नहीं है, सारे गमक क्या होता है, कैसे बसता है वो जानकारी नहीं है, तो ऊपर आई बटन है, जाइए क्लिक करिए, पहले उन वीडियोस को देखिए, उन लेसन्स को सीखिए, समझिए और अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद यहां पे आइए। ठीक है, सीखना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? जय हो शंकरा। तो ध द सा सा रे रे ग सा, ध द सा सा रे रे ग सा। अब ध जो है वो ऐसे आएगा, सा से आएगा, सा की मीट से आएगा। मीट का भी मैंने लेसन बता रखा है, ऊपर आई बटन पे जाना, देखो, प्रैक्टिस करो, वो वाला लेसन बहुत काम का है। ध सा से लेना है और एक ही वो चलेगी। रेफरेंस के लिए मैंने प्ले किया है, वो सुन लेना। ध ध सा सा रे रे ग सा, देखो ग सा के अंदर भी आप मीट ले सकते हो, जैसे ध ध ध सा सा रे रे ग सा, ग सा, है ना। और अगर ये नहीं हो पा रहा, अजीब सी आवाज निकल रही हो, तो सिंपल बजाओ एकदम स्ट्रेट नोट्स। ध द सा सा रे रे ग ध ध सा सा रे रे ग सा, रे ग मा प ग रे ग सा। अब मैंने प इससे लिया, चाहो तो ओपन भी ले सकते हो, रे ग मा प ग रे ग मा प ग रे ग सा, है ना। लेकिन अगर मीन करोगे तो मस्त आवाज आएगा, रे ग मा प ग रे ग सा। लाइन को दो बार रिपीट करना है, उसके बाद सा 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 नी नी धा प प ध प म म ध प। सा कौन सा है? देखो मैंने क्लोज सा लिया, है ना, ओपन सा में वो कटा कटा आवाज आएगा। तो आपको क्या करना है, प ध और ये नी और ये सा। तो सा 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 नी नी धा प प ध प म म ध प, सा 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 नी नी धा प प ध प म म ध प, है ना। फिर प प ध प म ग रे, प ध प ध प म ग रे, रे ग म ग रे ग म ग ग रे रे सा। चाहो तो इस लाइन को एक बो में ले सकते हो, मेरा वो रेफरेंस के लिए सुन लेना, मैंने जो प्ले किया है ना। ग रे ग ग ग रे ग ग रे ग ग ग रे ग ग रे 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 सा ग रे सा 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 रे ग ग रे ग ग ग रे ग ग रे ग ग ग रे ग ग रे 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 सा ग रे सा। ठीक है, अब यहां तक मैं एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं थोड़ा स्लो स्पीड में, और कैसे उसको ब्यूटिफिकेशन करना है वो भी सिखा रहा हूं। अगर नहीं हो पा रहा, एकदम बिगिनर हो, तो सिंपल बजाना एकदम स्ट्रेट नोट्स, है ना। ध ध सा सा रे रे ग सा, रे ग मा प ग रे ग सा, ध ध सा सा रे रे ग सा, रे ग मा प ग रे ग सा, सा 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 नी नी ध प प ध प म म ध प, सा 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 नी नी ध प प ध प म म ध प, प प ध प म ग रे, प ध प ध प म ग रे, रे ग म ग ग रे रे सा, गरे ग ग ग रे ग ग रे ग ग ग रे ग ग रे 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 सा ग रे सा सा सा, गरे ग ग ग रे ग ग रे ग ग ग रे ग ग रे 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 सा ग रे सा। ठीक है, फिर उसका अंतरा क्या है, प ध प म म ध प ध ध नि सा, प ध प म म ध प ध ध नि सा रे नि ध नि प। मैं देखो रे भी इस फिंगर से लिया, इस फिंगर से रे की प्रैक्टिस करना, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो, प ध प म म ध प ध ध नि सा रे नि ध
नी धा नी पा, इस लाइन को दो बार रिपीट करना, प ध प म म ध प द ध नि सा रे नी धा नी पा, रे सा नी ध प रे सा नी ध प, म म ध ध ध म ध प प म ध प प म ध प प। जय हो शंकरा। फिर जो पहले सीखा वही यहां पे रिपीट करना है। अब दोस्तों ये जो लाइन है रे सा नी ध प रे सा नी ध प, तो मैंने देखो रेफरेंस में रे को स्लाइड से लिया है, मैंने तार स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, मैंने सा रे सा नी ध प, है ना, तो उससे एक अलग ब्यूटी निकलती है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, एकदम फ्रेशर हो, तो ये ट्राई नहीं करना है। कुछ महीने या एक साल अच्छे से प्रैक्टिस करो स्ट्रेट नोट्स के साथ, उनको सुर में बजाओ और फिर ये मीन का प्रैक्टिस करो और दूसरी ऑर्नामेंटेशन का प्रैक्टिस करो। समझ में आ गया ना? अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आपको वायलिन बजाते बजाते, तो सुनो ध्यान से। हो सकता है कि आपकी वायलिन की आवाज अजीब सी आए, है ना, तो सबसे पहले तो उसको देखो कि वो सही ट्यून है कि नहीं है। उसके बाद अपनी जो बो होती है, बो में हमेशा रोजीन घिस के रखना, जब भी बजाओ तो जो रोजीन आता है उसको बढ़िया घिस लेना। और उसके बाद जब तक सही जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे आपके फिंगर नहीं जाएगी, वो सही नोट की आवाज नहीं आएगी, बेसुरी आवाज आएगी। ये कारण से भी आपको अपने वायलिन का साउंड अच्छा नहीं लगता होगा। तो अगर मीठा सुनना है जो मैंने प्ले किया, थोड़ा बहुत वैसा भी सुनना है, तो उसके लिए आपको अपनी फिंगर का एकदम सही जगह रखनी पड़ेगी। फिर बो का ध्यान रखना, अगर ये सब ढंग से कर रहे हो तो बो का ध्यान रखो, है ना। रेफरेंस के लिए मैंने जो प्ले किया है उसको देखो कि मैंने कैसे प्ले किया, कैसे बोली, है ना, कितने स्वर एक साथ लिए, कब मैंने बो को चेंज किया, कैसे मेरे हाथ चल रहे, कैसे बो चल रही है, तो ये सब देखो सीखो। पेशेंस जरूर रखना, पेशेंस के बिना संगीत नहीं आ पाएगा। और ये तो वायोलिन है, इसमें तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, लेकिन जितना पेशेंस रखोगे उतना जो सुर है वो यहां से आएंगे, है ना, यहां लगेंगे आपके भी सामने वाले के भी। बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर मेरी वेबसाइट पे जाना जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है www.chinmaygod.com, कम्युनिटी सेक्शन पे जाना, वहां पोस्ट करना अपने ऑडियोज या उसके लिंक शेयर करना। साथ ही मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मैं हूं, तो आप मुझसे भी वहां बात कर सकते हैं। और हाँ, वायलिन की क्लासेस के केवल 2 स्टूडेंट्स की एंट्री और बाकी है, फिर हम कंप्लीट कर देंगे। वैसे एडमिशन हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो उसको हम 2-3 दिन में बंद कर रहे हैं। अब मैं नया जो क्लास स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन, वो करूंगा सितंबर से, 3 मंथ कोर्स। ठीक है, तब मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट का एडमिशन ना हो पाए माफ करना, क्योंकि क्वालिटी मैं चाहता हूं कि कम से कम बच्चे हो और ज्यादा से ज्यादा उनको सीखने को मिले, इसलिए मैं अपनी क्लास में कम स्टूडेंट रखता हूं, लिमिटेड स्टूडेंट रखता हूं। समझ में आ गया ना? तो यही कहूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, मुस्कुराते हुए करना। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे वेबसाइट पे जाओ, कम्युनिटी पेज पे जाओ, आओ बातचीत करते हैं। अच्छे से सीखो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद और जय भारत।